गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का उड़ान इन्फिनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं अश्विन सिंह रणावत करंट अफेयर लेके हाजिर हो चुका हूँ आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, एनडीए सीडीएस के लिए और बाकी सभी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। मेंस का पेपर नियर बाय है, कुछ बच्चे लिख भी रहे होंगे। आइए ध्यान करते हैं और देखते हैं कि पिछले हफ्ते क्या क्या घटनाएँ घटी और करंट अफेयर्स आपके सामने हाजिर हैं। और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए उड़ान इन्फिनिटी को, लिंक नीचे बॉक्स में गिवन है और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ टाई अप कर सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट खबर अब कहाँ से आ रही है पिछले हफ्ते की। यूनियन मिनिस्टर हैं जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनाग्रेट करा है मंसार लेक डेवलपमेंट प्लान को जम्मू में। मंसार लेक जो है वो जम्मू के अंदर आती है, उसको डेवलपमेंट करने के लिए जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इनॉग्रेशन करी है। जो मंसार लेक प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 20 लाख टूरिस्ट को हर साल अट्रैक्ट करता है। इस मकसद से आगे चलते हुए जो हमारे जितेंद्र जी ने उनको इनॉग्रेट करा है और उन्होंने इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर ओकेजन के ऊपर क्या क्या बातें रखी और क्या इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट प्रोग्राम में चल रहा होगा, इस प्रोग्राम के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे और इस प्रोग्राम में हम किन चीज़ों पर ध्यान देंगे। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो हमारी नई यूनियन एंड टेरिटरीज डेवलप हुई हैं, तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, पॉलिसी, सिस्टम और इन सभी चीज़ों को डेवलप करने के लिए जो नए नए प्लान आ रहे हैं और जो नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, चीज़ें जो डेवलप करी जा रही हैं उसके अंदर ही आप काउंट कर सकते हैं। सो इस पोर्शन को आप गवर्नेंस के अंदर भी काउंट कर सकते हैं और इस पोर्शन को आप पॉलिटिकल रिलेशंस में भी काउंट कर सकते हैं। सो ये करंट इश्यूज के हिसाब से, करंट एनालिसिस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इस इंपॉर्टेंट खबर में और आगे क्या चीज़ आ रही है। सो जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने क्या क्या कहा, एक बार देखते हैं इस खबर में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें रही। सो जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने कहा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद जो ये मंसार लेक का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मंसार लेक को जो डेवलप करा जा रहा है, इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद तकरीबन जो पिलग्रिमिज हैं, हमारे जो यात्रीगण हैं जो हर साल टूरिस्ट टूरिज्म वहाँ पे आता है, वो इंक्रीज होगा। करंटली 10 लाख है और ये 20 लाख पर ईयर तक पहुँच जाएगा अगर हमारा जो मंसार डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो मंसार लेके अगर उसको डेवलप करा जाता है, तो उसकी एक औसतन आय देखी जा रही है कि 10 लाख से लेके 20 लाख तक जो है हमारे टूरिस्ट इंक्रीज हो जाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंसार रेजुविनेशन प्लान को लीड करते हुए ये कहा कि इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। अबाउट 1.15 करोड़ जो मैनी डेज जनरेटेड होते हैं और 800 करोड़ पर इनकम भी जनरेट होगी इस प्लान को डेवलप करने के बाद। तकरीबन जो 1.15 करोड़ लोग बाग हैं उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और उनकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 800 करोड़ तक के जो एनुअल इनकम है उसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी। सो ये डेवलपमेंट प्रोग्राम बेसिकली सबसे पहले रिलेट करा जा रहा है टूरिज्म को लेके, एंड देन रिलेट करा जा रहा है इसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट वहाँ होगी, देन एजुकेशन इंक्रीज होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयमेंट पर भी लिंक कर रहा है और जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट इस खबर में जो नज़र आया वो है कि ये जो मंसार लेके कहाँ सिचुएटेड है, किस जोन में आती है जम्मू के और कहाँ इसकी प्रोजेक्ट की जो है चीज़ें स्टार्टअप हुई हैं, तो उधमपुर जो है पॉसिबली द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री विच इज़ ऑन द लाइन ऑफ नमामि गंगे एंड गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट। उधमपुर जो है अप्रॉक्सीमेटली जम्मू का वो ऐसा पोर्शन देखा जा रहा है जम्मू के अंदर जो कि बिल्कुल लाइन ऑफ कोस्ट पर है किसके, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के। गंगा को जो क्लीन करने का प्रोजेक्ट चल रहा है वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है। गंगा को क्लीन करने के प्रोजेक्ट की जो शुरुआत जो हो रही है वो उधमपुर के स्टार्टिंग पोर्शन से देखी जा रही है। रिसीव्ड टू सिमिलर रेजुनुएशन एंड रिनोवेशन प्रोजेक्ट फॉर रिवर देविका एंड मंसार लेक रिस्पेक्टली। तो ये पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट देखा जा रहा है उसका जम्मू कश्मीर का, दैट इज़ उधमपुर, जहाँ पे ऑलरेडी नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि गंगा को क्लीन करके के लिए स्टार्ट करा गया है। दूसरा प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए जो वहाँ मिल रहा है, जो अभी राइट नाउ चल रहा है, दैट इज़ रिवर देविका के ऊपर, कि देविका रिवर के आसपास को जो इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया उसे डेवलप करा जाए ताकि वहाँ के नियर बाय लोकल रूल पीपल्स को इनकम से, सोर्सेज से रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, जिससे कि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ का जो टिप्स एंड टॉप्स एंड चीज़ें हैं वो सारी डेवलप हो जाए। और दूसरा प्रोजेक्ट अब वहाँ पर शुरू हो चुका है, दैट इज़ मंसार लेक के ऊपर, तो जो वहाँ मंसार झील है उसको डेवलप करने का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। सो ये वन लीनियर एग्जाम्स में भी आप देख सकते हैं कि जो उधमपुर इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर तीन चार चीज़ें स्टार्टिंग हो चुकी हैं,
लेक को भी डेवलप करने का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है और रिवर देवी का प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है। सो देवी का जो रिवर है, इट इज़ सेट टू बी द सिस्टर ऑफ मदर गंगा। ये गंगा जो नदी जिसे हम माँ के नाम से जानते हैं, उसकी एक तरीके से ट्रिब्यूनल सिस्टर काउंट करी जाती है। और जो मंसार लेक है, ये रेफरेंस आती है हमारी एंशियंट राइटिंग महाभारत के अंदर। तो जो मंसार झील है उसके जो पूरा ये इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री हो गई इस न्यूज़ की, कि मंसार लेक की हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखें। तो जो रिवर देवी का है उसका कहीं ना कहीं अटैचमेंट देखा जा रहा है। उनको माना जाता है कि जो देवी का रिवर है वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी पार्ट माना जाता है, सिस्टर माना जाता है। और मंसार लेक का जो जिक्र है वो महाभारत में भी देखने के लिए मिला है। नॉर्थ इंडिया का जो सबसे पहला बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क है, ये इम्पोर्टेंट खबर रहेगी हमारी। नॉर्दर्न इंडिया का यानी जो उत्तरी भारत है, जो ऊपर का भारत है हमारा, उसके अंदर सबसे पहला जो बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क है, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो सबसे पहला बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क है, वो सबसे पहले सीड प्रोसेसिंग के लिए जो प्लांट है वहाँ पर, बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क जो है, एंड द फर्स्ट एवर सीड प्रोसेसिंग प्लांट आर ऑल्सो कमिंग अप, विच विल जनरेटेड जॉब अपॉर्चुनिटी एज वेल एज द सोर्सेज ऑफ लिविंग एंड रिसर्चेज। तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने न्यूज़ देते हुए कहा कि आने वाले टाइम के अंदर नॉर्दर्न इंडिया का, उत्तरी भारत का सबसे पहला जो बायोटेक इंडस्ट्रियल प्लांट होगा वो यहीं पर सिचुएटेड होगा, डेवलप करा जा रहा है। और आने वाले टाइम के अंदर जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होती है, जो वेजिटेशन प्रोसेस होती है, जहाँ पर हम एक ब्रीड को प्लांट की दूसरी ब्रीड के साथ मर्ज करके नए नए प्लांट्स को डेवलप करते हैं, जिससे कि हमारी प्लांटिंग सिस्टम के अंदर और फार्मिंग के अंदर जो यील्डिंग प्रोड्यूस होती है और जो प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा इंक्रीज हो सके। इस पोर्शन को आप साइंस एंड टेक के अंदर काउंट कर सकते हैं। सीड प्रोसेसिंग का जो सबसे पहला प्लांट है कि नए नए सीड्स को डेवलप करा जा सके, जिससे कि हमारे फार्मर्स को और उनकी प्रोडक्शन को बेनिफिट मिले, वो भी आने वाले टाइम में उधमपुर में डेवलप करने की कोशिश करी जा रही है पूरी। और इसको ग्रीट आउट करते हुए जितेंद्र जी ने ये कहा, यूनियन मिनिस्टर जो हमारे जितेंद्र सिंह जी हैं डॉक्टर, उन्होंने ये कहा कि ये जो दो तीन प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में उधमपुर में लाए जा रहे हैं, इनकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। और जो वहाँ का लाइवलीहुड है, जो जनसंख्या वगैरह है, उनका जो रहने का स्तर है, जैविक स्तर जो है वो भी बढ़ेगा, और प्लस रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रोग्राम में भी एडवांसमेंट्स आएंगे। अ न्यू एयरपोर्ट इज कमिंग अप इन किश्तवाड़ अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट उड़ान स्कीम। ये हमारे नाम से भी आता है, हम उड़ान से हैं और उड़ान इसमें भी आ रहा है। तो एक नई स्कीम जो कि उड़ान स्पीक अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप इसे ले सकते हैं, अर्बन डेवलपमेंट एयरपोर्ट के अंदर आती है ये चीज़। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक नया जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा आगे जो किश्तवाड़ नाम की जगह है, वहाँ पर एक नया सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, उड़ान जो स्कीम है, उसके तहत एक नया एयरपोर्ट भी डेवलप करने का प्लान रखा गया और वो बहुत जल्द ही लाया भी जाएगा। ये करंट एनालिसिस नज़र आ रही है इस न्यूज़ में। अगली न्यूज़ देखते हैं कि हमारी अगली सबसे इम्पोर्टेंट खबर क्या चल रही है। अगली जो इम्पोर्टेंट खबर नज़र आ रही है वो ये है कि पीएम ने, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, पीएम ग्रीट्स पीपल ऑफ द आंध्र प्रदेश ऑन इट्स फाउंडेशन फॉर्मेशन डे। पिछले हफ्ते की बहुत इम्पोर्टेंट खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के फॉर्मेशन डे पे लोगों को ग्रीट करा। क्या रहा इस इम्पोर्टेंट खबर के अंदर। वैसे भी आप श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको ट्विटर वगैरह पर बाकी सारी चीज़ों पर आप बहुत जल्दी क्विक एक्सेस के अंदर ग्रीट करते हुए और किसी भी इंसिडेंट को बहुत जल्दी ट्वीट करते हुए देखते हैं। क्या रहा इस खबर के अंदर इम्पोर्टेंट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ जनरेटेड ग्रीटेड द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन इट्स फॉर्मेशन डे। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है लोगों को ग्रीट करा। 1 नवंबर का ये पार्ट है उनके फॉर्मेशन डे पे। तो आंध्र प्रदेश जो है हमारा एपी, इसका फॉर्मेशन डे काउंट करा गया 1 नवंबर को। तो उनको ग्रीट करा गया, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने ट्वीट सिस्टम के थ्रू और लोगों को ट्वीट करा और ग्रीट करा आंध्र प्रदेश के फॉर्मेशन होने वाले दिवस पर। आंध्र प्रदेश इज़ दिस सिनोनिम विच हार्डवर्क एंड कंपेंशन। और उन्होंने उनको ग्रीट करते हुए जो लोगों को बधाइयाँ हैं और एक तरीके से प्रोत्साहन देते हुए जो कहा आंध्र प्रदेश के बारे में, वो ग्रीटिंग्स, वो स्टेटमेंट यहाँ जारी है कि आंध्र प्रदेश जो है एक सिनोनिम्स है, समानार्थी शब्द है किसका, हार्डवर्क का और कंपेशन का। पीपल बिलोंगिंग टू आंध्र प्रदेश हैव गोन
ऑन टू दी एक्सेल इन दी सेवरल फील्ड। जो लोग बाग आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो अपने जीवन स्तर के अंदर काफ़ी ऊंचाइयों तक और काफ़ी एक्सेल तक पहुंच चुके हैं। ऑन एपीज फॉर्मेशन डे, आंध्र प्रदेश के गठन होने वाले दिवस पर, माई ग्रीटिंग्स टू द पीपल ऑफ स्टेट एंड बेस्ट विशेज फॉर देयर डेवलपमेंट एस्पिरेशंस, द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी सेड। आने वाले दिवस इस गठन दिवस पर मैं आंध्र प्रदेश के सभी देश आंध्र प्रदेश के सभी वासियों को और वहाँ की रहने वाली जनसंख्या को उनके डेवलपमेंट चीज़ के लिए और उनके एस्पिरेशंस वगैरह जो उनकी इच्छाएं हैं उनको डेवलप कर जल्द से जल्द वो पूरी हो, मैं ऐसी मनोकामना करता हूँ। ये स्टेटमेंट जारी करी गई श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट खबर देख लेते हैं। पीएम ग्रीट्स पीपल ऑफ छत्तीसगढ़ ऑन इट्स फाउंडेशन डे। और अगला जो है उसी दिन क्या था, एक्चुअल में 8 ऐसे हमारे राज्य थे जिनका उस दिन फॉर्मेशन डे था तो वो काउंट करा गया। सो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को भी उनकी फाउंडेशन डे पे ग्रीट करा। उनको ग्रीट करते हुए जो हमारा छत्तीसगढ़ है, ये पोर्शन है आप देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ों को मिला के एक फॉर्मेशन हुई है। और ये कब, इसकी जो बैगोनल हिस्ट्री अगर आप देखें तो करंट एनालिसिस के हिसाब से क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, किस राज्य से ये अलग हुआ, अभी राइट नाउ इसमें डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, कितनी इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है, स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है इस छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर, और क्या पोर्शन है, कौन सी बाउंड्री है इसको टच करती है, यहाँ का लैंड फॉर्म कैसा है, यहाँ पे मेन जो इकोनॉमिकल सेक्टर है वो किस तरीके से डेवलप्ड है, और क्या इनका इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल ऑफ है, और कितनी इकोनॉमिक पॉलिसीज यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, राइट नाउ वहाँ का गवर्नर कौन है, और पार्ट ऑफ दैट यहाँ पे जो सीएम है वो कौन है, किस टेरिटरी में आता है ये। सो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रीट करते हुए लोगों को कहा छत्तीसगढ़ के फाउंडेशन डे पे कि छत्तीसगढ़ के लोगों को राज्य की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि प्राचीन काल से विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र रहा यह प्रदेश उन्नति और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ता रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। सो इस दिन जो था 1 नवंबर को अप्रॉक्सीमेटली 8 जो हमारे राज्य थे उनका फॉर्मेशन डे था, तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन लोग 8ों राज्यों को ग्रीट करते हुए अपनी स्टेटमेंट जारी करी और वहाँ के रहने वाले वासियों को, उस राज्य में रहने वाले जो नागरिक हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रदान करी। अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास कहाँ से आ रही है। अगली इंपॉर्टेंट खबर हमारे पास से आ रही है, माई ग्रीटिंग्स पीपल ऑफ द हरियाणा ऑन द स्टेटहुड डे। हरियाणा के एकीकरण दिवस पर जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के लोगों को भी काफ़ी ग्रीटिंग्स प्रदान करी। सो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के लोगों को ग्रीट करते हुए क्या कहते हैं, स्टेटमेंट जारी करी, भारतीय इतिहास में अहम स्थान रखने वाले हरियाणा के सभी निवासियों को राज्य की स्थापना दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। समृद्धि और प्रगति का प्रतीक यह प्रदेश उन्नति के नए नए कीर्तिमान बनाता रहे और आगे बढ़ता रहे। सो हरियाणा दिवस भी उस दिन काउंट था, तो उस दिन इसकी फॉर्मेशन रही। वहाँ के नागरिकों को ग्रीट करते हुए, उन्हें शुभकामनाएं देते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह स्टेटमेंट जारी करी। अगली इंपॉर्टेंट खबर देख लेते हैं हमारी कहाँ से आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है क्योंकि ये साइंस एंड टेक का पार्ट है, इसे आप साइंस एंड टेक के अंदर भी ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दी बायोडाइवर्सिटी चैप्टर के अंदर भी आएगा ये, और देखते हैं बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी इम्पॉर्टेंट है ये पोर्शन। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट खबर दिख रही है, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट में हम इसे काउंट कर सकते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ कोरल्स इन मुंबई, व्हाट इज द कोरल्स, ये एक्चुअल में जो कोरल्स है मुंबई के अंदर, ये ब्रीड जो देखी जा रही है ये एक तरीके के मरीन एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट जैसे दिखने में होते हैं बट है एनिमल्स। तो मुंबई के पोर्ट्स पर, मुंबई के जो बंदरगाहें हैं, जो सी पोर्ट है, वहाँ पर कोरल्स ड्रिफ्ट देखी गई हैं पिछले ही हफ्ते। वो कोरल ड्रिफ्ट क्या है, क्या इनका इन्वायरमेंट में भागीदारी रहती है, किस हिसाब से इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट होती हैं, इनकी वजह से फ्लोराइड फोना पे क्या डिफरेंस पड़ता है, ये हमारी इकोनॉमिकल सेक्टर के अंदर या हमारे इकोलॉजी सेक्टर के अंदर किस तरीके से पार्टिसिपेशन करते हैं, इस खबर में क्या इंपॉर्टेंट रहा, एक बार चीज़ देखते हैं। सो ये न्यूज़ में क्यों है ये खबर देखते हैं। सो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो हमारा राष्ट्रीय संस्थान है will carry out the translocation of 18 coral colonies from the coast of Mumbai for the Mumbai Coastal Road Project. Approximately 18 प्रजातियों को देखा गया National Institute of Oceanography के द्वारा translocation के लिए
जो कि मुंबई कोस्ट पर यानी मुंबई के जो तटवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर देखा गया है। फॉर द मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, जो मुंबई के कोस्टल रोड्स हैं जो तटवर्ती क्षेत्र पर आने वाले जो रोड वगैरह हैं उनको जो डेवलप करने का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो 18 तकरीबन जो प्रजातियां हैं हमारी कोरल कॉलोनीज़ की उनको ट्रांसलोकेट करा गया। और इस खबर में आगे इम्पोर्टेंट क्यों क्या चीज़ है, क्यों इनको ट्रांसलोकेट कराया जा रहा है और ये मुंबई कोस्ट पर कैसे पाए जाती है, वहाँ की जो जलवायु की स्थिति है, वहाँ के जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, क्लाइमेटिकल जो चेंज है, कैसे इनको सस्टेन करने के लिए मदद करती है, देखते हैं इसमें आगे इम्पोर्टेंट क्या रहा खबर में। इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये खबर में इतना चर्चा में क्यों है, क्या है इसके अंदर ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़। कोरल क्या चीज़ है, एक बार कोरल्स के बारे में पढ़ते हैं। कोरल्स एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, जो कोरल है हमारा, जो ये मरीन प्लांट है, इसके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो लक्षण होते हैं, वो प्लांट जैसे होते हैं बट दे आर मरीन एनिमल्स, लेकिन ये जो है समुद्र तंत्र में पाए जाने वाले जीव हैं। दिखने में ये प्लांट जैसे लगते हैं लेकिन ये एक्चुअल में मरीन एनिमल्स हैं, समुद्री तंत्र के अंदर पाए जाने वाले ये जीव हैं। दैट आर रिलेटेड टू द जेली फिश एंड एनेमोनस, और ये इनकी जो प्रजाति है किससे बिलोंग करती है, किससे रिलेट करती है, फाइलम और किंगडम में। जो जेली फिश होती हैं और जो एनेमोनस होती हैं उनके कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी वाले सेक्शन में ही आती हैं। दे आर मेड अप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पॉलिप्स, ये जिस पदार्थ से बनी होती हैं, जो ये मरीन एनिमल्स हैं कॉरल्स, जिस चीज़ की ये बनी हुई होती है, इनका जो जेनेटिक मॉड्यूलेशंस है, जिस जेनेटिक मटेरियल से इनका फॉर्मेशन होता है, वो पॉलिप्स है। पॉलिप्स के द्वारा ये बनी हुई होती है। इनका जो जेनेटिकली आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म है, अगर आप इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो इनका जो जेनेटिकल आइडेंटिफिकेशन है वो पॉलिप्स के द्वारा बना गया है, विच आर टाइनी सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म, जो कि पतले और छोटे स्तर के ऑर्गेनिजम्स हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में देखें कि किस हिसाब से इनका स्ट्रक्चर होता है। एट देयर बेस इज़ अ हार्ड, इनका जो बेस होता है कोरल्स का, अगर आप डायग्रामेटिक सेक्शन में देखें तो जो कोरल्स होते हैं कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सरफेस ऑफ बेस से चिपकी हुई होती हैं। जो इनका बेस होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। ऊपर से देखने में ये किसकी बनी हुई होती है, इनका जो जेनेटिक मटीरियल है, जैसे कि इंसान का जो जेनेटिक मटेरियल वो किस चीज़ से बना है। इसी तरीके से जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, हम डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन है, बॉडी जो ह्यूमन बीइंग है, जो होमोसेफियंस है, उनकी फॉर्मेशन दो चीज़ों की वजह से होती है, जब सेल ब्रेक डाउन होते हैं डीएनए और आरएनए की वजह से, दोनों अलग अलग रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेस ट्रांसफर करने के लिए, और आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन करने के लिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनका जो जेनेटिक डिफेंस है, जो जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन है, वो पॉलिप्स के थ्रू है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस पर जुड़े हुए जीव होते हैं ये जो कॉरल्स हैं। और इनका जो हार्ड स्ट्रक्चर है, जो बेस बेस वाला जो इनका निचला स्तर है जहाँ पर ये जुड़े होते हैं, वो हार्ड इस वजह से है ताकि इनको जो प्रोटेक्टिव लाइमस्टोन स्केलेटन होता है, एक प्रोटेक्टिव शेल होती है इनके ऊपर, इनकी बॉडी की कवरिंग के ऊपर, जो कि लाइमस्टोन का बना हुआ होता है। ये जो जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम है, जो हड्डी तंत्र है, जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर और एक फर्मनेस प्रोवाइड करता है, इसी तरीके से इनकी बॉडी के अंदर लाइमस्टोन स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप कहते हैं, जैसे हमारे स्केलेटन सिस्टम है और इनके यहाँ पे होता है, इनमें होता है सेलिसिल विच फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ द कोरल रीफ्स, और इसी की वजह से इनका स्ट्रक्चर बनता है। तो जो कोरल्स हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इस वजह से डेवलप होता है। तो इस कैल्सिल कैल्सिल की वजह से ये जो कोरल रिफ्स हैं इनका इस तरीके का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनता है। ये हार्ड स्केलेटन शेप होती है, लाइमस्टोन का बना हुआ होता है, जिसकी वजह से इस बेस के अंदर इनको एक फर्मनेस प्रोवाइड होती है, और यही रीज़न होता है जो इनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कोरल रिफ्स को। इनका जेनेटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, पॉलिप्स के ये बने हुए होते हैं, और दिखने में ये प्लांट जैसे हैं बट दे आर एक्चुअली मरीन एनिमल्स। सो इम्पॉर्टेंट खबर ये नज़र आ रही है इनके बारे में। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के अंदर बायो में भी आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। दीज पॉलिप्स, जिनका जो इनका जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन है, जो पॉलिप्स है, दे हैव माइक्रोस्कोपिक एल्गे कॉल्ड जो एक्सोथिलीन, या जो हमारे पॉलिप्स हैं इनके अंदर एक माइक्रोस्कोपिक छोटा सा बिल्कुल एल्गे पोर्शन प्रेजेंट होता है, जिसको आप जूएक्सथ्रिन कहते हैं, लिविंग विद देयर टिश्यू, जो अपने टिश्यूज के साथ उसके अंदर रहता है। द कोरल्स एंड एल्गी हैव ए म्यूटलिस्टिक सिम्बोटिक रिलेशनशिप,
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो कोरल्स हैं और जो एल्गी हैं, कोरल्स जो ड्रिफ्ट पाए जाते हैं समुद्र स्तर पर, और जो एल्गे जो इनके जेनेटिक टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, इनके बीच में एक म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है कि एक चीज़ जब दूसरी चीज़ पर डिपेंड होती है, इसे साइंस एंड टेक में आप पढ़ सकते हैं, इसे सिम्बायोसिस रिलेशन या सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। एक चीज़ दूसरे पर इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है, इन दोनों में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। किस तरीके से, यानी जो कोरल्स हैं और जो एल्गी हैं, जो एक सेम कॉम्बिनेशन में होता है, यानी जहाँ कोरल ड्रिफ्ट या कोरल रिफ पाए जाते हैं, वहीं उनके छोटे छोटे नियर बाय सेक्शन के अंदर आपको एल्गे का सेक्शन भी मिलेगा। एल्गे क्या होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहला आपने इसे 9th क्लास में ही सेक्शन में पढ़ा होगा। सबसे पहला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बच्चे को याद होता है वो यही होता है एल्गे। सो जो कोरल जो है, इनका एग्जिस्टेंस कैसे होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं कोरल और एल्गे एक दूसरे के साथ, और ये एक दूसरे के साथ कैसे सिम्बायोटिक रिलेशन को मेंटेन करते हैं वो चीज़ देख रहे थे। सो जो कोरल होता है प्रोवाइड दी जूनेक्सिथिली विद दी कंपाउंड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जो कोरल है वो प्रोवाइड करता है जूनेक्सिथिलीन, जो कि इस्तेमाल करा जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये प्लांट के जैसा स्ट्रक्चर है बट है मरीन एनिमल्स, तो उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप देख रहे हैं इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की बात होगी। तो जो कोरल है वो प्रोवाइड करता है जूनेक्सिथिलीन, जो कि कंपाउंड है एक तरीके का, जो कि नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इन रिटर्न द जूनेक्सिथिलीन सप्लाई द कोरल विद द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइक द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर यूटिलाइज बाई द कोरल पॉलिप्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ देयर कैल्शियम एंड कार्बोनेट स्केलेटन। सो इसके इन रिटर्न में क्या होता है, जो जूनेक्सिथिलीन है वो सप्लाई करता है, जैसे कोरल जो है वो प्रोवाइड करते हैं जूनेक्सिथिलीन को, जो कि मदद करते हैं फोटोसिंथेसिस में, और इसके रिटर्न में जो इनका बाय प्रोडक्ट बनता है जूनेक्सिथिलीन के द्वारा, वो कोरल की मदद करता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने में। और वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कहाँ से प्रिपेयर होके मिलते हैं, फोटोसिंथेसिस से। जैसे कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जहाँ प्लांट के अंदर होती है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कि जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को और सनलाइट को यूज़ करते हुए जो प्लांट है अपना खाना बनाते हैं, स्टार्च वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, ATP NADPH वगैरह आप बायो में चीज़ें ये टर्म्स हैं। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बाद जो बाय प्रोडक्ट होता है, जो कि प्लांट यूज़ करते हैं अपनी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो इनके द्वारा प्रोवाइड करा जाता है, और जो कि यूटिलाइज होता है कोरल के द्वारा और कोरल पॉलिप्स के द्वारा, क्या सिंथेसाइज करने के लिए, अपनी कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन स्ट्रक्चर को। जो लाइमस्टोन है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर से बना होता है। तो जो उनके ऊपर की जो स्ट्रॉन्ग हार्ड स्ट्रक्चर बॉडी सरफेस है, सो ये जो हमारे कोरल्स हैं इनके ऊपर जो हार्ड स्ट्रॉन्ग बॉडी सरफेस स्ट्रक्चर है, ये प्रोवाइड करने के लिए जूनेक्सिथिलीन इनकी मदद करता है, और जूनेक्सिथिलीन इनको प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के लिए बाय प्रोडक्ट, और वो बाय प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट वगैरह, जो कि यही कोरल जो रीफ्स हैं इस्तेमाल करते हैं इस कार्बोहाइड्रेट का कैल्शियम कार्बोनेट जैसे हार्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। जूनेक्सिथिलीन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक एंड ब्यूटिफुल कलर्स ऑफ द कोरल्स। तो इन कोरल्स का जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इनका जो ये मल्टीपल जो कलर्स हैं, ये मल्टीपल कलर इनकी बॉडी पे जो होते हैं, इनके होने का भी जो रीज़न है वो यही है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के हमें कलर इसमें नज़र आ रहे हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन के जो कलर नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर ये कलरिंग सिस्टम या इनका जो कलर रिफ्ट है, ये आप देख रहे हैं कि जो बॉडी ऊपर ये जो रिफ्ट बनी हुई है, ये नीचे जो हार्ड स्ट्रॉन्ग कवरिंग है, ये जो कवरिंग है ये हमारी कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन की बनी होती है, और इसे बनाने के लिए हमारी कौन हेल्प करता है, कोरल रिफ करता है। कोरल रिफ के अंदर प्रेजेंट होता है जूनेक्सिथिलीन, जो कि मदद करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। और इसके आसपास के सेक्शन के अंदर आप देखेंगे तो जो जहाँ पे ये कोरल रिफ डेवलप होता है, तो इसके आसपास के पोर्शन के अंदर पूरे में काई काई सी लग जाती है जहाँ ये डेवलप होता है, तो वो एल्गी होता है, और इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन जो है वो चलता है एक दूसरे के खाने को लेकर, या फिर एक दूसरे के न्यूट्रिशन को लेकर। सो इस जो कोरल्स हैं इनका बेनिफिट क्या है, ये एक बार हम देख लेते हैं क्यों ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहते हैं। सो जो कोरल रीफ्स हैं ये अंडर वाटर सिटीज में पाए जाते हैं। कोरल रीफ्स आर लाइक अंडर वाटर सिटीज दैट सपोर्ट द मरीन लाइफ। इन कोरल रीफ की वजह से ही, क्योंकि बाय प्रोडक्ट जो इनका है वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन ये रेडिएट करते हैं,
और प्लस फूड न्यूट्रिशंस को पानी के अंदर डिजोल्व कर देते हैं। सो इनकी इन सिम्बायोटिक रिलेशन की वजह से, जो कि एल्गी और कोरल रीफ के बीच में होती है, मरीन सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जो अंडर वाटर मरीन एनिमल्स हैं उनको बेसिकली न्यूट्रिशन के लिए, उनको फूड सिस्टम के लिए, फूड चेन के लिए, या फिर एक डिजॉल्व ऑक्सीजन के लिए जो है कोरल लीव्स की काफ़ी मदद मिलती है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, दे प्रोवाइड एटलीस्ट हाफ अ बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड विद फूड सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड। और UNEP की एक स्टेटमेंट के अंदर ये बताया गया और ये लिखा जाता है कि उनकी स्टेटमेंट के अनुसार कि तकरीबन जो ये कोरल रिफ्स हैं, विश्व की जनसंख्या का तकरीबन हाफ बिलियन जो लोग बाग है, आधे से ज़्यादा बिलियन जो लोग बाग हैं वो कोरल रीफ के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये उनको फूड सिक्योरिटी, मरीन सिस्टम के अंदर फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और दूसरा इनकी वजह से इनको लाइवलीहुड्स भी मिलते हैं। कोरल रीफ्स आर ऑल्सो एक्ट एज वेव ब्रेक्स। जो कोरल रीफ है ये बायोलॉजी की टर्म में भी आप काम कर रहे हैं, और प्लस वेव ब्रेक जो है हमारे ज्योग्राफी के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। सो ये पूरी करंट न्यूज़ एनालिसिस के अंदर आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल में नहीं कवर कर सकते, तो मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप देख सकते हैं कि वेव ब्रेक क्या है। ये आपका सर्च करने के लिए पोर्शन रहा कि वेव ब्रेक सिस्टम होता क्या है, वेव ब्रेक होती क्या चीज़ है। सो जो कोरल रीफ है ये ऑल्सो एक्ट करता है वेव ब्रेक करने में, यानी जो समुद्र की धाराएं होती हैं वो डायरेक्टली कोस्टल लाइन तक ना आ सके, उसको बीच में रोका जाता है। सो वेव को, यानी जो धारा है उसको रोकने का काम होता है वो वेव ब्रेक सिस्टम है। बिटवीन द सी एंड द कोस्ट लाइन, जो समुद्र है और समुद्र का जो तटवर्तीय क्षेत्र है, समुद्र की जो किनारे पे आने वाली जो तटवर्तीय क्षेत्र है, तो वहाँ से जो वेव सामने आ रही होती हैं उनको रोकने के लिए भी जो प्रेशर का ज़रूरत होता है, या जो एक रिस्ट्रिक्शन और रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, उनके अंदर भी ये काम अदा करती हैं, तो वेव ब्रेक का भी काम करती हैं। एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ सी इरोजन, और समुद्र की वजह से जो तटवर्तीय क्षेत्रों पर तटवर्तीय जो मिट्टी होती है उसका जो इरोजन यानी कटाव हो रहा था उसको भी कहीं ना कहीं ये बहुत रोकते हैं। सॉइल इरोजन या कोस्ट लाइन इरोजन क्या होता है, सी इरोजन क्या चीज़ है देख लेते हैं। सो कोस्टल इरोजन इज द लॉस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैंड और द लॉन्ग टर्म रिमूवल ऑफ द सेडिमेंट एंड रॉक अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ड्यू टू द एक्शन ऑफ द वेव एंड द करंट एंड द टाइड्स एंड विंड ड्राइवन वाटर वाटर वॉन आइस और अदर इम्पैक्ट्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग। समुद्र के नियर बाय आने वाले तटवर्तीय क्षेत्रों से मिट्टी का जो कटाव होता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन की वजह से, चाहे वो रीजन वेव्स हो सकते हैं, समुद्री धाराएं हो सकती हैं, या करंट हो सकते हैं और कोल्ड करंट और जो वार्म करंट होता है पानी का, टाइड्स हो सकती हैं, या फिर वाटर ड्रैवन बॉडीज हो सकती हैं, या आइसबर्ग्स हो सकते हैं, आइस बॉर्न वाटर बॉर्न जो आइस होती हैं वो हो सकते हैं, उनकी वजह से जो तटवर्तीय क्षेत्रों की जो मिट्टी उनका जो कटाव होता है उस चीज़ को जो इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, इस फिनोमिना को कहा जाता है कोस्ट लाइन इरोजन। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है इम्पोर्टेंट। अगली इम्पोर्टेंट खबर हमारी क्या नज़र आ रही है देखते हैं। सो सेक्सुअल हरासमेंट एंड द कोड ऑन वेजेस, पिछले ही हफ्ते एक बहुत इम्पोर्टेंट एक नई कोड ऑफ वेजेस आया, यानी जो भत्ते हैं जरूरतमंद लोगों के, वेतन भत्ता जो है उसके अंदर एक नया अमेंडमेंट करा गया, और वो क्या है उसके अंदर, सो वीमेंस की रिगार्डिंग ये न्यूज़ नज़र आ रही है, तो आप इसको सोशल पार्ट्स में भी ले सकते हैं, सोशल इनजस्टिस में भी काउंट कर सकते हैं। ये GS पेपर 2 के हिसाब से गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज और उसकी इंटरवेंशन जो है उनसे रिलेटेड है, और बेसिकली ये इशू रिलेटेड है वीमेंस से, उसमें भी काउंट कर सकते हैं। और GS पेपर 3 के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट का पार्ट जो होता है रोजगार, उसके अंदर भी आप इस न्यूज़ को काउंट कर सकते हैं। सो इस कोड ऑन वेजेस का जो भत्ते पे ये नियम आया, जो नया कानूनी धारा आई है, क्या है, और ये सेक्सुअल हरासमेंट से किस तरीके से प्रोविजंस नए पेश कर रहा है। पहले क्या होता था कि किसी भी वर्किंग प्लेस के अंदर वीमेन के साथ अगर कुछ भी प्रॉब्लम देखी जाती थी, जो हरासमेंट वगैरह, तो उनके लिए कुछ अलग सेटअप प्रोग्राम रखे गए हैं केस को दर्ज वगैरह करने के लिए, लेकिन अब कोड ऑफ वेजेस के एक्ट नया तहत आने के बाद कुछ नए चेंजेस करे गए हैं वीमेन्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर। क्या है, क्यों ये न्यूज़ में है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ए प्रिविजन इन द कोड ऑन वेजेस 2019, एक प्रोविज़न के हिसाब से जो कि वेजेस के ऊपर एक कोड बिल है, या आप कह सकते हैं कानून है, कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019, कन्वेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट कैन बी ग्राउंड फॉर डिनाइंग बोनस पे आउट फॉर द एम्प्लॉयज। इस कोड ऑफ वेजेस के तहत एक नया रूल ये लाया गया है, अगर किसी भी ग्राउंड ऑफ रीजन पर अगर कन्विक्शन करा जाता है सेक्सुअल हरासमेंट का वीमेन के साथ, तो उनके जो एम्प्लॉयर हैं, यानी जो जहाँ जो व्यक्ति काम कर रहा है उनके जो मालिक हैं,
वो इस ग्राउंड ऑफ रीजन पे कि किसी वीमेन के साथ या किसी एम्प्लॉय के साथ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट करा गया है, डिनाई कर सकते हैं और फॉरवर्ड कर सकते हैं किस चीज़ को, बोनस पे आउट्स को एम्प्लॉयज़ की, जो उनके यहाँ पे काम करने वाला एम्प्लॉय है उसका जो बोनस अमाउंट है, उस ग्राउंड ऑफ रीजन पे चलते हुए इस कोड ऑफ वेजेस, इस नए कानून के अनुसार उनके बोनस के जो पैसे हैं वो बिल्कुल खारिज करे जा सकते हैं, कट हो सकते हैं। क्या इसका अंदर इम्पॉर्टेंट रहा आगे देखते हैं इस खबर के अंदर। द सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश द ड्राफ्ट ऑन कोड ऑन वेजेस सेंट्रल रूल 2020 इन जुलाई 2020 एंड प्लेस्ड इट इन द पब्लिक डोमेन इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस एंड सजेशन। 2020 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट जारी करा कोड ऑन वेजेस के ऊपर कि एक नया कानून, एक नई धाराएं इसके अंदर ऐड करी जाएं, नए अमेंडमेंट्स ऐड करे जाएं और उसको नया नाम दिया गया सेंट्रल रूल 2020 के हिसाब से। तो लोगों के लिए ये ओपन डोमेन में खोला गया कि इसके ऊपर सजेशंस या ऑब्जेक्शंस मांगे जाएं कि अगर इस कानून के अंदर ये चेंजेस ला दिए जाएं तो कैसा रहेगा, क्या होगा। फर्दर इस न्यूज़ के अंदर इम्पॉर्टेंट आगे और क्या चल रहा है, फिर उसके डोमेन के बाद इसमें इम्पॉर्टेंट क्या रहा आगे देखते हैं। इसका की पॉइंट देखते हैं कि इस ये खबर में इतना क्यों है, क्यों इतनी चर्चा में है ये चीज़। सो इस खबर पे देखिए कि कोड ऑन वेजेस है क्या, जो पिछले साल 2019 में लाया गया, 2020 की जुलाई में दोबारा इसके ऊपर ड्राफ्ट रखे गए कि लोगों के सजेशन मांगी कि क्या चीज़ है। सो द कोड ले डाउन द नॉर्म्स फॉर एनुअल बोनस ड्यू दैट अक्यूर ड्यू टू एम्प्लॉयज रिप्लेसिंग द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 विच बार्स बोनस ड्यू ओनली इन द केस ऑफ फ्रॉड, वॉयलेंट कंडक्ट एंड थेफ्ट और सेबोटेज। ये लॉ से रिलेटेड टर्म है कि इसकी खबर की बैकग्राउंड हिस्ट्री देखो तो ये था कि इस कोड के अंदर ये एक नई कंडीशन, एक नई धारा ले डाउन करी गई, एक नया पोर्शन लिखा गया, एक नई स्टेटमेंट जारी करी गई कि जो एनुअल बोनस होता है, जो वैश्विक जो कंप्लीट वार्षिक जो बोनस मिलता है लोगों को, वो ड्यू करा जा सकता है, यानी होल्ड पे रखा जा सकता है पहले वाली कोड ऑफ वेजेस, यानी पहले दिए गए कानून के अनुसार, किस नियम ऑफ ग्राउंड ऑफ रीजन पे चलते हुए कि एम्प्लॉयज़ जो है या तो उन्हें रिप्लेस करा जा रहा है और या पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो था 1965 का, उस एक्ट के अंदर होल्ड करने के ग्राउंड ऑफ रीजन्स थे। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट जो 1965 में लागू करा गया, तो किसी भी व्यक्ति के वार्षिक बोनस को देने के अंदर अगर होल्ड करना है या उसे कैंसिल करना है तो कुछ कंडीशंस ले डाउन करी गई थी, कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन करे गए थे विच बार्स बोनस, जो कि इस प्रिंसिपल में ये था, इस रूल में ये था, इस पर्टिकुलर कोड ऑफ रोल के अंदर ये था कि अगर किसी भी इंसान का वार्षिक जो बोनस है अगर उसको स्थगित करना है या उसको कैंसिल करना है, तो उसके जो ग्राउंड ऑफ रीजन होने चाहिए जिस पे चलते हुए लोगों को मना करा जाए, या तो उस व्यक्ति ने एक कंपनी के साथ फ्रॉड करा हो, या कोई वॉयलेंटली यानी अपनी मन की इच्छा से कुछ इस तरीके का काम करा हो, कंडक्ट करा हो, या थेफ्ट चोरी करने की कोशिश करी हो, या सेबोटेज हो यानी चीज़ों को बता के गलत इंटरप्रिटेंट रिप्रेजेंटेशन करी गई हो। सो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 ये था, तो इसमें क्या चीज़ थी, लेकिन अब इसमें एक नया चेंज आ गया क्योंकि इस पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को अपील करके कोड ऑफ वेजेस के साथ मर्ज करा गया और इसमें नई चेंजेस और नया अमेंडमेंट लाया गया कि अगर आप कोई सेक्सुअल हरासमेंट भी करता है तो उसके अंदर नई लीनियर ऐड कर गई है, जिसके तहत चलते हुए उसका जो बोनस है वो पूरा का पूरा स्थगित करा जा सकता है एम्प्लॉयर के द्वारा। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 की हिस्ट्री देख लेते हैं क्या चीज़ था ये। सो जो मिनिमम बोनस था पेबल था 8.33% ऑफ द सैलरी ऑफ द वेज, किसी भी व्यक्ति की जो बेसिक सैलरी है उसका तकरीबन 8.33% उसको मिनिमम बोनस दिया जाता था एम्प्लॉयर के द्वारा, अर्न बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, जो अकाउंटिंग ईयर होता है उसके दौरान। अकाउंटिंग ईयर आप सभी समझते हैं, इकोनॉमी का भी पार्ट है ये, और आपकी बेसिकली आपकी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे भी समझते होंगे, जो कि शुरू कब से होता है, दो तरीके के ईयर होता है, अकाउंटिंग ईयर अलग होता है, फाइनेंशियल ईयर अलग होता है। सो किसी भी कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर है, जो रूल ऑफ प्रिंसिपल उन्होंने फॉलो करा हुआ है, उस कंपनी ने जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग मेजर्स को रूल मानते हुए जिस अकाउंटिंग मेजर्स पे वो चल रही है, चाहे वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे चल रही हो या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे चल रही हो, तो उस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स पे चलते हुए जो उसने अकाउंटिंग ईयर काउंट लिया हुआ है अपना, उसके अंदर किसी भी एम्प्लॉय को मिनिमम जो मिनिमम है 8.33 का जो है बोनस भत्ता दिया जाता था, और सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 20%, जो कि 20% अधिकतम तक हो सकता था।
ऑफ सच सैलरी और वेजेस एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज अर्निंग अ सैलरी ऑफ रुपीज 21,000 पर मंथ। और ये जो रूल है उन सभी एम्प्लॉयज पर लागू करा जाता था जिनकी मासिक आय, जो इनकी मंथली अर्निंग सैलरी है, वो 21,000 या उससे अबव होती थी। ये केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल था। सेक्शन 29 ऑफ द कोड स्टेट दैट नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड एन एम्प्लॉय शैल बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम रिसीविंग बोनस अंडर दिस कोड इफ ही इज डिसमिस फ्रॉम द सर्विस फॉर द फ्रॉड और रायोशियस और वॉयलेंटली बिहेवियर वाइल ऑन द प्रीमिसेस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द थेफ्ट एंड द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द डेटा एंड द सेबोटेज और एनी प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट कन्विक्शन फॉर द सेक्शुअल हरासमेंट, जो कि न्यू एडिड करा गया है। सो इस कोड ऑफ बिल में ये चीज़ नहीं ऐड करेगी कि इस ग्राउंड ऑफ रीजन्स पे चलते हुए कोई भी एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय की जो बोनस अमाउंट है उसे बिल्कुल स्थगित कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, या तो उसने कोई फ्रॉड करा हो, रिशियस जो कंपनी की जो पर्टिकुलर मटेरियल्स हैं या डेटाबेस है उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करी होगी, या वॉलेंटली उसने अपने मन की इच्छाओं से बिहेव ऐसा कुछ करा है, या प्रीमिसेस के अंदर कोई चेंज करे गए, या चोरी करने की कोशिश करी है, मिस अप्रोप्रिएशन यानी अपनी इच्छाओं के चलते हुए उन्होंने जो कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको तोड़ा है, सैबोटेज यानी कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश करी है। तो एक नया एड ऑन कर दिया गया है कि कंपनी के अंदर अगर किसी भी एम्प्लॉय के साथ अगर ऐसा कोई केस दर्ज होता है कि सेक्सुअल हरासमेंट भी इंक्लूडेड कर दी गई है, तो उसका जो एम्प्लॉयर है उसके बोनस अमाउंट को स्थगित कर सकता है। द सैलरी एंड बोनस पेमेंट लिमिट्स आर येट टू बी नोटिफाइड अंडर द कोड ऑन वेजेस। जो सैलरी है और जो बोनस अमाउंट है वो अभी मेंशन नहीं करा गया कि कितने हिसाब से कितना परसेंट और प्रतिशत कटना चाहिए, ये अभी भी स्टिल नोटिफाइड नहीं है। इसके बारे में अभी डिटेल्स आएंगी और देखा जाएगा किस हिसाब से देखा जा रहा है। सो इस मूव का हमारी हम करंट एनालिसिस के हिसाब से देखें तो वुमेंस के ऊपर इस रूल का, इस आने वाले नए कोड ऑफ बिल का क्या फ़ायदा रहेगा, क्या सिग्निफिकेंस रहेंगे वुमेंस के अंदर, वुमेंस के लिए। सो इस मूव का वुमेंस के लिए क्या सिग्निफिकेंस रहेगा वो देख लेते हैं, क्या फ़ायदे रहेंगे। दिस इज़ ए ह्यूज स्टेप टू गेट पीपल टू बी ऑन देयर बेस्ट बिहेवियर। इस बिल के आने की वजह से एम्प्लॉयमेंट के अंदर और एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया के अंदर वीमेंस के लिए बेस्ट बिहेवियर का एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है कि रोजगार की चीज़ों में और अवसरों में उनको पूर्णतः सुरक्षा एवं स्थापना प्रदान करी जाएगी। इन द वर्क प्लेस एंड द प्रोस्पेक्टस ऑफ लूजिंग वंस बेनिफिट मे मेक एम्प्लॉयज मोर केयरफुल ऑफ देयर कंडक्ट। और अपने किसी भी मिसबिहेव को करने के लिए और किसी भी एम्प्लॉयर के द्वारा मिसबिहेव करे जाने के लिए या मिसकंडक्ट करने के लिए बिल्कुल रोकथाम लगाई जाएगी इस कानून के द्वारा। दिस इज ऑल्सो ए स्टेप टूवर्ड क्रिएटिंग सीरियसनेस अबाउट द इंस्टेंसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस एंड इट इज जनरल। ये एक अहम कदम उठाया गया है एक सीरियसनेस लाने के लिए वीमेंस के रिगार्डिंग कि वर्क प्लेस पर जनरली, वेदर इट इज़ प्राइवेट, वेदर इट इज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर, वेदर इट इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, किसी भी सेक्टर के अंदर जो वीमेंस के साथ हरासमेंट करी जाती है, तो वर्क प्लेस पर इनके साथ इस तरीके की जो घटनाएँ हैं वो ना घटित हो, इस कोड को स्पेशली लाया गया है। दिस मूव विल सर्व एज एन एडिशनल डिटरेंट अपार्ट फ्रॉम द प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट पोश लॉ दैट इज एस्टैब्लिश इन 2013। जो पोशी एक्ट आया था जिसका बड़ा नाम सुनते हैं, जितने भी सेक्शुअल हरासमेंट के जो केसेस दर्ज होते हैं वो इसी के अंडर होते हैं। सो प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट दैट इज POSH पोशी एक्ट जो 2013 में आया था उसके अंदर भी इस मूव को बहुत इंपॉर्टेंट काउंट करा जा रहा है क्योंकि वर्क प्लेस की जो चीज़ें हैं वो एम्प्लॉयर सेक्शन में आ जाती थी, लेकिन अब इस कोड ऑफ बिल के अंदर नए चेंजेस आने की वजह से इसे भी काउंट करा जा रहा है और इस पूरी की पूरे केस को अच्छे तरीके से डील करा जाएगा। ये एग्जाम्पल ऑफ केसेज हैं कि किस किस तरीके से जो है हरासमेंट की कंडीशंस काउंट करी जाती हैं, देखी जाती हैं, या किस कंडीशंस ऑफ मेजर पे चलते हुए इन हरासमेंट्स को काउंट करा जाएगा। दीज आर दी डेटाबेस कंडीशन। आगे देख लेते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो हमारे पास नज़र आ रही है वो यहाँ से आ रही है, जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, 15वां वित्त आयोग जो है, 15th फाइनेंस कमीशन टू हैंड इन द रिपोर्ट ऑन नवंबर 9। 9 नवंबर को हमारा जो वित्तीय आयोग है, 15वां जो वित्तीय आयोग है जो एनके सिंह कमेटी के अंदर जो चल रहा है, 9 नवंबर को अपनी एक रिपोर्ट जारी करने वाला क्या चीज़ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से ऑलरेडी इकोनॉमी डिक्लाइन हो चुकी है। सो फाइनेंस कमीशन की क्या रिपोर्ट आने वाली है 9 नवंबर को और किन चीज़ों में चीज़ें
पैरामीटर्स डेवलप करे जा रहे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है, किन पॉलिसीज को लाया जा रहा है, किस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट कमीशन चल रहा है, देखिए इसने इन्होंने क्या रिपोर्ट जारी करी, सो कंटेक्स्ट क्या रहा है इसका। 15th फाइनेंस कमीशन जो है ये फाइनलाइज कर रहा है अपनी रिपोर्ट को फॉर फंड डिवॉल्यूशन फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट फॉर द 5 ईयर्स फ्रॉम 2021 22 टू 25 एंड 26। सन 2020 से लेके 22 तक के लिए और 25 से लेके 26 के लिए, यानी आने वाले 5 सालों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ये रिपोर्ट पेश करी जाएगी वित्त आयोग द्वारा कि स्टेट गवर्नमेंट को कितने पैसे लैंड करे जाएं या ना करे जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसी पे डेवलप करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे डेवलप करेगी, एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से प्लांट आउट करेगी, जो उनके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है या जो बाकी सभी गवर्नेंस रिलेटेड जो पर्सपेक्टिव वर्क होते हैं उनको किस किस तरीके से आगे चलाया जाएगा। सो 15th फाइनेंस कमीशन जो अपनी रिपोर्ट पेश करने वाला है इन सारी रिपोर्ट्स के ऊपर आने वाले 5 सालों के लिए। फाइनेंस कमीशन की थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री देख लेते हैं। फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ एलोकेशन ऑफ सर्टेन रिवेन्यूज रिसोर्सेज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। फाइनेंस कमीशन का गठन करा जाता है, वित्त आयोग का गठन करा जाता है, अभी राइट नाउ 15वां वित्त आयोग चल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को कितना फंड एलोकेट करेगी, कितने पैसे देगी काम करने के लिए, इस चीज़ पर जो डिस्कशन होता है और जो रिपोर्ट प्रपोज करी जाती है, जो एलोकेशन होता है उस चीज़ के ऊपर जो परामर्श देता है वो फाइनेंस कमीशन देता है। सो फाइनेंस कमीशन इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये संविधान के द्वारा बनाई गई बॉडी है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280। सो आर्टिकल नंबर जो हमारा 280 है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। फाइनेंस कमीशन यानी जो वित्त आयोग है हमारा, फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 में इसका जिक्र है। और इसको गठित कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट यानी जो हमारे कंट्री के, हमारे देश के जो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं, जो हमारे पहले पर्सन काउंट होते हैं दैट इज़ प्रेसिडेंट, वो इसका गठन करते हैं आर्टिकल 280 के तहत। और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है क्योंकि इसे डिसॉल्व नहीं कर सकते, करा जा सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रेम्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है। हमारी अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के हिसाब से याद आता है कि हमारे इंडिया में कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ये जरूर पढ़े आपके लिए प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है। मेंस के अंदर हमें देख सकते हैं कि क्या रिपोर्ट आने वाली है, फंड्स की एलोकेशन कैसे होने वाली है, जो बच्चे मेंस का पेपर दे रहे हैं या जिनका मेंस का पेपर है यूपी पीसीएस हरियाणा पीसीएस या बेसिकली यूपीएससी के अंदर या सीडीएस का जो आने वाला एग्जाम है अभी आपका या एनडीए वगैरह से जो एग्जाम आ रहे हैं कि मेंस के अंदर आप ये देख सकते हैं कि क्या इसका प्रोस्पेक्टिवली चेंज रहेगा, किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है इस फाइनेंस कमीशन की क्या इंपॉर्टेंस है इस बारी। सो जो ये 15th फाइनेंस कमीशन है वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 2017। इस 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, नवंबर 2017 में हुआ था, नवंबर 2017 को इसका गठन करा गया था, यानी राइट नाउ इसे चलते हुए 4 साल हो चुके, 3 साल हो चुके हैं, बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा इसका गठन करा गया, द अबॉलिशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन है जो नीति आयोग है उसको स्थगित करके उसे कैंसिल करके उसकी अबॉलिश करते हुए इसका गठन करा गया प्रेसिडेंट के परामर्श पे। अबॉल्यूशन ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, उनका जो प्लान्ड स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, प्लान करे गए खर्चे होते हैं, और जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है कि जो एकदम से कोई सपोज आपदा आ गई, आज से 4 साल बाद कोई सुनामी आने वाली है हमें नहीं पता, सपोज को एकदम से आंतरिक आपदा आ गई तो उसके लिए जो पैसों की जरूरत होगी सरकार को, तो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की जो स्ट्रैटेजी है या जो डिस्टिंक्शन है उनके बीच में डिफरेंस है कि कितना फंड हम प्लान एक्सपेंडिचर के लिए रखें और कितना फंड हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के रखें, इस चीज़ को अबॉलिश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए फाइनेंस कमीशन का गठन करा गया। इंट्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST जो है किस तरीके से लागू करा जाए और GST को कैसे इंट्रोड्यूस करा जाए नेशन के अंदर, इस चीज़ की स्थापना के लिए फाइनेंस कमीशन का सेफली ऐड करा गया। और इट इज़ चेयर्ड बाय NK सिंह, इसके जो चेयरमैन है वो श्री NK सिंह है, इसे इंपॉर्टेंटली याद रखना है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं। आर्टिकल 280 में आता है, प्रेसिडेंट इसे फ्रेम करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, इन चीज़ों को प्लान स्ट्रक्चर, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करने के लिए और GST को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बाकी सभी पैरामीटर्स में वर्क करने के लिए, द एलोकेशन ऑफ फंड्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो इनका मेन स्पेसिफिक वर्क है फाइनेंस कमीशन का, इस चीज़ के लिए देखा जा रहा है। सो ये खबर इस वजह से बहुत चर्चा में रही और इम्पॉर्टेंट रही।
देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या रहा। ये आपका स्पेशली पिक के अंदर आपको देखना होगा। तो जो 15वां वित्त आयोग है वो अपनी रिपोर्ट पेश करने वाला है। स्पेशली मीटिंग जो इनकी चली, यहाँ सभी हमारे फाइनेंस कमीशन के हेड डिपार्टमेंट हेड्स बैठे हुए हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड और इंडस्ट्रीज, अर्बन और रूरल डेवलपमेंट बॉडीज जो हैं उसमें चल रहा है। कहाँ हुआ ये? हॉल नंबर 2, साबरमती स्टेट के अंदर, साबरमती सबरीमाला स्टेट एंड दैट इज इन गुजरात। ओके, गुजरात के अंदर ये सेक्शन हुआ। सो इट गुजरात के अंदर ये इस बार कमीशन की बैठक हुई। क्या रहा इस कमीशन के अंदर, ये रिपोर्ट के अंदर जारी आप देख सकते हैं। इन द इनिशियल रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट के अंदर इसके अंदर क्या रखा गया, दैट द कमीशन हैड सबमिटेड जस्ट फॉर द ईयर 2021। स्टार्टिंग में कमीशन की शुरुआत होती है रिपोर्ट पेश करने के दौरान, सबसे पहले कमीशन ने 2020-21 की प्लानिंग रखी। पेड द स्टेट्स शेयर ऑफ द डिविजिबल टैक्स पूल फ्रॉम 42% एज द रिकमेंडेड बाय द 14th फाइनेंशियल कमीशन। और पहली रिपोर्ट में उन्होंने ये भी रखा राज्यों के साथ बातचीत करते हुए कि जो डिविजिबल टैक्स पूल सिस्टम है, कि टैक्स पूल जो रेट होता है इकोनॉमी का ये पार्ट है, स्टेट के अंदर जो एलोकेशनली डिवाइड होता है, स्टेट जीएसटी अपने आप डिसाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट, बट जो सेंट्रल जीएसटी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड करा जाता है। तो इस टैक्स फ्लेक्सिबिलिटी को, इस डाइपोल को, इस डिविजिबिलिटी रेट को जो है अप्रॉक्सीमेटली 42% की रिकमेंडेड देने के लिए उन्होंने कहा कि 42% जो दायरा है उनके हाथ में दिया जाए, एंड 241% सीटिंग द क्रिएशन ऑफ द यूनियन टेरेटरीज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। सो उन्होंने इसके साथ ये सम्मिलित करते हुए कहा कि अप्रॉक्सीमेटली 41% नई क्रिएशन के साथ टैक्स डिविजिबिलिटी स्लैब रेट लाया जाए। हमारी जो नई यूनियन टेरिटरीज बनी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, क्योंकि नक्शे के हिसाब से आप देखें तो ये जो हमारा भारत का पोर्शन है जो कि गवर्नमेंट इसके अंदर अगर हम देखें, सो इंडिया का जो ये पोर्शन है, जो नॉर्दर्न इंडिया का जो पार्ट है, तो ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है, ये पूरा जो सेक्शन आते हैं हमारी नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आ रहा है। सो इस सेक्शन के अंदर क्योंकि नया डेवलप है, जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है और जो लद्दाख का रीजन है वो नया न्यूली डेवलप्ड सेक्टर है, तो वहाँ पर बेसिकली यूनियन टेरेटरीज हैं, तो ना तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आ रही है प्रॉपरली, ना ही ये पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आ रही है, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाती है, क्योंकि यूनियन टेरेटरी पे सारी के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल अप्रॉक्सीमेटली रखी गई कि 41% की जो है वो टैक्स फ्लेक्सिबिलिटी रेट रखा जाए हमारी यूनियन टेरेटरीज के ऊपर जो भी नई बनी है, और अप्रॉक्सीमेटली 42% की टैक्स लेबिलिटी रेट रखी गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सो इसमें इंपॉर्टेंट ये रहेगा इकोनॉमिक सेक्शन के हिसाब से आप देखें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पेपर 2 के लिए और 3 के लिए, कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो टैक्स डिविजिबिलिटी रेट होता है वो कहाँ इंपॉर्टेंट रहता है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो हमारे डायपोल हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, स्टेट जीएसटी कैसे डिवाइड करती है और सेंट्रल जीएसटी किस तरीके से डिवाइड करती है। सो दिस इज़ दी इन न्यूज़ इंपॉर्टेंटली राइट नाउ। अगली इंपॉर्टेंट खबर देखते हैं कहाँ से आ रही है, बहुत अहम खबर आ रही है, केरल, तमिलनाडु एंड गोवा द बेस्ट गवर्न्ड स्टेट रिपोर्ट। हमारे जो 3 स्टेट हैं केरला, तमिलनाडु और गोवा, इनको अभी अभी अवार्ड दिया गया कि इनकी बेस्ट गवर्नेंस सिस्टम है। ये बेस्ट गवर्नमेंट का अवार्ड क्या होता है, कैसे दिया जाता है, इसमें देखते हैं। पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो PAI इंडेक्स है 2020 के अनुसार, पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अनुसार केरला की गवर्नमेंट, तमिलनाडु की गवर्नमेंट और जो गोवा की गवर्नमेंट है, इनको बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम गवर्नेंट स्टेट माना गया। किस हिसाब से? उन्होंने अपनी रिपोर्ट रिलीज कर रही है पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा, और इस इंडेक्स के द्वारा इन 3 स्टेट को टॉप पर रखा गया। द स्टेट आर रैंक ऑन द टॉप गवर्नेंस सिस्टम, द परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द कंपोजिशन इंडेक्स एंड द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड डिफाइंड बाय द 3 पिलर्स ऑफ इक्विलिटी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। किसी भी राज्य की सर्वोत्तम सरकार को माना जाता है इन 3 पिलर्स के हिसाब से। सबसे पहला जो पिलर है, जिस हिसाब से हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि उनका जो निर्वाचन सिस्टम है या उनका जो राजनीतिक तंत्र है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, सबसे पहला कि वहाँ पर इक्विटी कितनी डिवाइडेड है बिटवीन द टैक्स लाइबिलिटी रेट एंड बिटवीन द पार्टिसिपेशन होल्डिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड कि उनका जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमी एक्सेट्रा, उनका ग्रोथ रेट क्या है। और तीसरी सस्टेनेबिलिटी, यानी जो नए चीज़ें हैं उनको सस्टेनेबिलिटी किस तरीके से लाया जा रहा है। इन 3 पैरामीटर्स पे चलते हुए हमारी PAI
पब्लिक अफेयर इंडेक्स ने 2020 में लेवल करा, जिसमें सबसे पहला हिस्सा रहा केरल का, दूसरा तमिलनाडु और तीसरा गोवा का। इन तीन राज्यों ने बिल्कुल टॉप करा इसके अंदर। पब्लिक अफेयर सेंटर क्या चीज़ है, ये जो बॉडी है जो इस इंडेक्स को रिलीज़ करती है, जो ये जांच करती है, ये कमेटी क्या है, ये पब्लिक अफेयर सेंटर है क्या, PAC है क्या, इसका काम क्या होता है, इस बारे में जान लेते हैं। जो इन राज्यों को जज कर रहा है, जो इन राज्यों के लिए रिपोर्ट जारी कर रहा है, इस इंडेक्स का काम क्या है, ये कौन सी है कमेटी, देख लेते हैं। सो पब्लिक अफेयर जो सेंटर, इट इज़ ए नॉन प्रॉफिट रिसर्च थिंक टैंक सिचुएटेड इन बेंगलुरु। PAC जो संस्थान है, पब्लिक अफेयर सेंटर, ये नॉन प्रॉफिट संस्थान है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश करा गया, जिसका काम रिसर्च करना है अलग अलग स्टेट की गवर्नेंस के ऊपर। और इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ सिचुएटेड हैं, बेंगलुरु में सिचुएटेड है, बेंगलुरु कर्नाटका में सिचुएटेड है। इट वर्क्स एट ए इम्प्रूविंग इक्वालिटी ऑफ द गवर्नेंस इन द इंडिया, इसका ये मेन काम है कि इक्वालिटी डेवलप कर जाता है। द इंस्टीट्यूट कंडक्ट्स रिसर्च एक्टिविटीज इन द टू मेजर फील्ड, पब्लिक पॉलिसीज एंड द पार्टिसिपेटरी। इस संस्थान का दो मुख्य अहम काम ये हैं कि राजनीतिक तंत्र के या नागरिक तंत्र के अंदर चलते हुए जो पब्लिक पॉलिसीज बनती हैं, पब्लिक यानी जो आम जनता, उनके लिए जो पॉलिसीज़ बन रही हैं उनको किस तरीके से इस्टेब्लिश करा जा रहा है, और पब्लिक का उन पॉलिसीज़ में, उन नीतियों में कितना पार्टिसिपेशन है, कितना ज़्यादा उनका भागीदारी सिस्टम है, इस पर ये वर्क करता है। सो दीज आर टू डोमेन, तो आप इसे गवर्नेंस के अंदर भी काउंट कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट पोर्शन रहेगा मेंस के हिसाब से। सो किस डोमेन पे ये वर्क करता है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी इसके अंदर। अगली देखते हैं सबसे बड़ी खबर कहाँ से आ रही है। सो ये न्यूज़ हमारी सामने आ चुकी है, केरला, गोवा और चंडीगढ़ है जो हमारे बेसिकली न्यूज़ में दिखाई दिया, ये न्यूज़पेपर्स में दिखाई दिया। केरला और गोवा एंड चंडीगढ़ द बेस्ट गवर्न स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में काउंट हुई पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अनुसार। सबसे बेस्ट और वर्स्ट का देखते हैं, तो सबसे बेस्ट में जो रही लार्ज स्टेट कैटेगरी में, सबसे पहली रही केरला, दूसरे नंबर पर रही तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, और स्मॉल स्टेट कैटेगरी, ये लार्ज की कैटेगरी में आगे जो बड़े राज्य हैं उन्होंने जिन्होंने टॉप करा। और वर्स्ट में यानी जो सबसे गलत एक तरीके से जिनका जो पॉसिबिलिटी इंडेक्स है या जिनकी गवर्नेंस को बिल्कुल नीचे शून्य स्तर पर रखा गया, तो यूपी सबसे पहले इसमें आया कि यहाँ की जो गवर्नेंस है वो वर्स्ट में काउंट करी गई है। जो पॉलिसीज़ हैं या जो बेसिकली इस इंडेक्स के अनुसार जो जारी करा गया, यूपी, उड़ीसा और बिहार को वर्स्ट में काउंट करा गया। स्मॉल स्टेट, छोटे राज्यों में गोवा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश ने स्थान दायर करा गुड गवर्नेंस के अंदर। और वहीं वर्ष में दिल्ली, मणिपुर और उत्तराखंड ने जो है वर्ष में काउंट करा। चंडीगढ़ इज़ द बेस्ट गवर्न यूनियन टेरिटरी फॉलोड बाय पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप। यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर चंडीगढ़ ने सबसे पहले टॉप करा, और उसके बाद दूसरे स्थान पर रही पुडुचेरी और तीसरे स्थान पर लक्षद्वीप रही। और दादर एंड नगर हवेली, अंडमान एंड जम्मू कश्मीर लीस्ट परफॉर्मर, दादरवास नगर हवेली और अंडमान और निकोबार, जम्मू और कश्मीर इस गवर्नेंस के इंडेक्स के अंदर सबसे निचले स्तर पर रहे। अगली इंपॉर्टेंट खबर देख लेते हैं कहाँ से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट इशू मिरर ऑर्डर इन चाइल्ड कस्टडी केस। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी बच्चों, जो नाबालिग स्तर के जो बच्चे होते हैं, अगर वो कोई केस कर देते हैं तो नाबालिग स्तर के केस के अंदर किस हिसाब से उनकी कस्टडी लेनी है और क्या उनके ऊपर जुडिक्शंस रहेंगी, एक नई अमेंडमेंट जारी करी और एक नया स्टेटमेंट जारी करा। सुप्रीम कोर्ट ने एक मिरर ऑर्डर जारी करा। मिरर ऑर्डर क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया में कोई केस कर जाता है, कोई भी आपराधिक घटना कर जाता है और वो इंडियन टेरिटरी से बाहर मूव कर जाता है, तो अगर वो नाबालिग स्तर का है तो उसको उस तरीके से बाल सुधार गृह में यहाँ पर या फिर जुवेनाइल बोर्ड के अंदर लिया जाता था काम करने के लिए। बट अगर वो बाहर मूव करता है तो उसके ऊपर बाहर की यूनियन टेरिटरी और जुडिक्शंस ऑफ लॉ लगेंगे। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये नया ऑर्डर और रूल जारी करा कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ इस तरीके से घटना, आपराधिक घटना कर जाता है, तो सेम मिरर ऑर्डर पास आउट होंगे, यही रूल और यही जुवेनाइल जुडिक्शन जो उसके ऊपर जिस अमेंडमेंट जिस कोड ऑफ चार्जेस में उसको कन्विक्टेड माना गया है, जिस चार्जेस जो उसके ऊपर लगे हैं, जिसके हिसाब से उसमें कन्विक्शन दायर करा गया है और जो वो कन्विक्टेड अक्यूज पर्सन बना है, वही सेम दूसरी टेरिटरी में भी लगेंगे और उसको उतनी ही सजा दी जाए। क्यों ये चर्चा में देखते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ मिरर ऑर्डर इन ए चाइल्ड कस्टडी केस वेयर वन ऑफ द
एस्ट्रगेंट पेरेंट्स एज लिविंग अब्रोड इन केन्या, केन्या में जिसके कुछ पेरेंट्स रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के ऊपर डिसीजन लिया और उन्होंने रूल अप्लाई करा मिरर ऑर्डर का, कि एक पर्टिकुलर जो चाइल्ड है वो किसी कस्टडी में था इंडिया में, और उसके ऊपर किसी तरीके का कन्विक्शन का केस चल रहा था, और उसको इंस्टागेट करते हुए जो उसके पेरेंट्स हैं वो अब्रॉड रहते हैं केन्या के अंदर, तो उसको सजा देने के लिए या उसको कन्विक्शन या उस पर चार्जेस लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मिरर ऑर्डर का, इस पर्टिकुलर इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करा। क्या रहा है इसमें देखते हैं। मिरर ऑर्डर क्या चीज़ है? एन ऑर्डर मेड इन वन कंट्री विच रिफ्लेक्ट द ओरिजिनल ऑर्डर मेड इन दी अनदर कंट्री इज नॉन एज मिरर ऑर्डर। एक ऐसा नियम, दस्तावेज एवं कानून जो एक किसी पर्टिकुलर राज्य राज्य तंत्र क्षेत्र में बने हो तथा वही कानून एवं धाराएं किसी अन्य क्षेत्र में भी इस्तेमाल करे जाएं और रखे जाएं, इस चीज़ को मिरर ऑर्डर यानी दर्पण नियम कहा जाता है। मिरर ऑर्डर आर ऑफन मेड इन सर्कमस्टांसेस वेयर कॉन्टेक्ट अरेंजमेंट हैव बीन आर्ग्यूड एंड द चाइल्ड विल देन बी लिविंग इन द अनदर कंट्री। मिरर ऑर्डर केवल उस केस के अंदर दायर करे जाते हैं जहाँ बच्चा नाबालिग है या किसी भी स्तर पर चलते हुए, किसी मानसिक स्तर पर या किसी वैश्विक स्तर पर या किसी भी मनोवैज्ञानिक स्तर पर चलते हुए उसने कोई अपराध करा और उसको जो जुवेनाइल बोर्ड के अंदर जो सजा या कन्विक्शन रखा गया, चार्जेस जो उसके ऊपर रखे गए, वही चीज़ सेम और ऑर्डर कोर्ट के वही माने जाएंगे, चाहे वो इंडियन टेरिटरी के अंदर हो या बाहर हो या किसी बाहर जुवेनाइल का एडिक्शन और जुडिक्शन में हो। व्हेन ए कॉम्पिटेंट कोर्ट इन द इंडिया पासिस ए सीरीज ऑफ कंडीशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ कस्टडी ऑफ ए चाइल्ड टू ए पेरेंट लिविंग अब्रॉड, एंड आइडेंटिकल मिरर ऑर्डर इज पास बाय द इक्वल कॉम्पिटेंट कोर्ट टू इंश्योर दैट द कंडीशन आर मेड। अगर कोई जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है यानी जो सामान्य वेश समान स्तर का जो कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट दिल्ली का है, उसने कोई ऑर्डर पास आउट करा और जो बच्चा है वो मेघालय से बिलोंग करता है सपोज, तो वहाँ के हाई कोर्ट ने जो है सेवन सिस्टर्स के उसी के ऑर्डर ऑफ केस को मानना पड़ेगा और उसी कन्विक्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस प्रिंसिपल ऑफ रूल को मिरर ऑर्डर करते हैं। तो ये हमारी इंडियन टेरिटरी में भी लागू करा जा रहा है और इंडियन टेरिटरी से बाहर भी लागू करा जा रहा है। सो अगर कोई कॉम्पिटेंट यानी बराबर का जो कोर्ट है, सपोज डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इक्वलेंट और हाई कोर्ट हाई कोर्ट के इक्वलेंट, सुप्रीम कोर्ट इज़ दी सुप्रीम बॉडी, सो अगर वो कोई इंडिया में कोई कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट है यानी कोई भी किसी भी स्तर का जो कोर्ट है, अगर इंडिया में कोई पास करता है कंडीशन या कोई भी ट्रांसफ़र करता है किसी भी बच्चे की कस्टडी को जिसके जो चाइल्ड पेरेंट्स हैं वो बाहर रहते हैं, तो आइडेंटिकल मिरर ऑर्डर को भी पास करा जाएगा उसके साथ, ताकि इक्वल कॉम्पिटेंट कोर्ट, ताकि उसी स्तर का जो कोर्ट है वो उसी कंडीशंस को मिलाप करते हुए, उसी स्तर और घटनाओं को मिलाप करते हुए उसको सजा या उस तरीके के कन्विक्शन की जो चार्जेस हैं इम्प्लीमेंट कर सकें। अगली इंपॉर्टेंट खबर हमारे पास कहाँ से आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है क्योंकि समिट हुआ है, वैभव समिट, अ यूनिक कॉन्फ्लुएंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ओवरसीज इंडियन साइंटिस्ट अकेडमिक कंक्लूड सक्सेसफुली। ये जो वैभव समिट है ये क्या चीज़ है? हमारी इंडिया से बाहर जितने भी वैज्ञानिक एवं डॉक्टर एवं इंजीनियर्स जो रह रहे हैं, सो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके साथ एक यूनिक कॉन्फ्रेंस रखी, एक जो ओवर जो हमारे रेजिडेंट है ओवरसीज इंडियन है यानी भारत की समुद्री रेखाओं से पार जाके जो व्यक्ति रह रहे हैं और जो साइंटिस्ट हैं और अकेडमिशियन हैं बहुत बड़े बड़े भारतीय जन्मभूमि से बिलोंग करते हैं, उनके साथ बहुत सक्सेसफुल इस मिशन रहा, एक सक्सेसफुल मीटिंग रही, और इस मीटिंग और इस समिट का जो नाम है, इस जो पर्टिकुलर सेगमेंट का नाम है वो वैभव समिट है। क्या चीज़ है? द समिट थ्रू अप पॉसिबिलिटीज ऑफ कोलैबोरेशन इन न्यू एंड इमर्जिंग एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस समिट का जो मेन मकसद है ये है कि लाइट थ्रू आउट करना और जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रोत्साहन के क्षेत्र के अंदर जो नई नई तकनीकियाँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं उनको और बढ़ोतरी मिल सके, और क्या इस बैठक के अंदर और इस वैभव समिट के अंदर क्या चीज़ें रखी गई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, किस हिसाब से ओवरसीज साइंटिस्टों ने इनके ऊपर अपनी प्रकाश डाला और अपनी बातों को रखा, एक बार देखते हैं। सो वैभव प्रपोज ए कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप फॉर द लिवागिंग एक्सपर्टीज नॉलेज ऑफ ग्लोबल इंडियन रिसर्च टू एड्रेस एमर्जिंग चैलेंजेस फॉर द यूनिवर्सल डेवलपमेंट। इस वैभव समिट का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो एक ये एक रोड मैप प्रोवाइड करता है एक
स्थापना एक धारणा प्रोवाइड कर, एक तरीके का रास्ता प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल स्टेटस पे कि इस समिट के द्वारा कि हमें आने वाले समय के अंदर यूनिवर्सल डेवलपमेंट करने के लिए जिन नॉलेज की ग्लोबल इंडियंस की रिसर्च और एडवांसमेंट की ज़रूरत है उस पर चर्चा रखी गई और उस पर बातचीत करी गई। आगे देखते हैं कि इस समिट में और इम्पोर्टेंट क्या रहा, किस हिसाब से शिरकत करी गई लोगों के द्वारा। सो इस पोर्शन को आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर भी काउंट कर सकते हो, इस पोर्शन को आप जो है करंट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काउंट कर सकते हैं। सो इस वैभव समिट का जो है क्या इम्पोर्टेंट रहा, तो इसकी फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। वैभव समिट जो है दैट इज़ वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। तो जो वैभव समिट इसका क्या रहा, ये ग्लोबल समिट है ओवरसीज एंड रेजिडेंट इंडियन का, जो भारतीय दूतावास नागरिक जो हैं जो कि बाहर रह रहे हैं ओवरसीज सिटीजन हैं इंडिया के, और जो साइंटिस्ट हैं स्पेशली और अकेडमिशियन हैं, अक्टूबर नवंबर 2020 में हुआ। इट इज़ इनाग्रेटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 2 अक्टूबर को 2020 को ये हुआ, इसको स्टार्ट करा गया था, ये पूरे महीने भर चला, 2 अक्टूबर 2020 को इसको स्टार्ट करा गया था और अब जाके ये ख़त्म हुआ है। और श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टार्ट करा, जिसका जो आइडियल वर्ड था वो ये था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी टू इनाग्रेट्स वैभव समिट इंट्रोड्यूस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा शुरू हुआ। 2 अक्टूबर को इसकी स्टार्टिंग हुई थी और ख़त्म अब हुआ है, पूरे महीने भर 30 दिन चला। द वैभव समिट इज़ ए ग्लोबल वर्चुअल समिट, ग्लोबली होने वाला, पूरी वैश्विक स्तर पर होने की वर्चुअल समिट है, यानी ऑनलाइन हुआ विद द ओवरसीज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारतीय दूतावास के जो नागरिक हैं जो बाहर रह रहे हैं ओवरसीज इंडियन हैं वो, रिसर्च के मामले में और अकेडमिशियंस हैं जो स्पेशली। द समिट विल ब्रिंग टूडे एंड विल कंटिन्यू टिल द 31st ऑफ मंथ, और 31 तारीख तक ये चला और अब ख़त्म हुआ। द एम ऑफ द समिट इज़ टू ब्रिंग इंडियन ओरिजिन ल्यूमिनारीज इन द अकेडमिक इंस्टीट्यूट एंड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड द रेजिडेंट काउंटर पार्ट्स ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म टू डिबेट अपॉन द कोलैबोरेशन ऑफ मैकेनिज्म टू स्ट्रेंथन द अकेडमिक एंड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस फॉर द ग्लोबल डेवलपमेंट। इस समिट के दौरान इन बातों पर चर्चा रखी गई और प्रकाश डाला गया कि आने वाले टाइम में वैश्विक स्तर पर भारतीय एवं स्तर नागरिक स्तर वैश्विक स्तर पर जो ये ओवरसीज सिटीजन्स और इंडियंस हैं जो अकेडमिशियन हैं जो इस स्तर पर काम कर रहे हैं, तो रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में, ऑर्गेनाइजेशनल क्षेत्र में, वर्ल्ड रेजिडेंट काउंटर पार्ट के क्षेत्र में एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे काम हो के कैसे करा जा सके और क्या नई चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कैसे हमें इन नई चीज़ों को डेवलप करना है, इस बारे में प्रकाश डालते हुए इस वैभव समिट के अंदर चर्चा करी गई, जिसमें अप्रोक्सीमेटली जगह जगह से जो ओवरसीज इंडियन सिटीजन हैं उन्होंने भाग लिया, पार्टिसिपेट करा और अपनी बातों को रखा। अगली इंपॉर्टेंट खबर देखते हैं हमारी कहाँ से आ रही है। अगली हमारी बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो है उत्तराखंड के अंदर, ये बायोडाइवर्सिटी में भी आप काउंट कर सकते हैं, आप इसे इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में भी काउंट कर सकते हैं, और ये हमारी करंट न्यूज़ एनालिसिस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो है हमारा उत्तराखंड के अंदर, जीएस पेपर 3 में भी काउंट कर सकते हैं, आप ले सकते हैं इसको इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में। तो जो कंजर्वेशन है एक रिजर्व है ये एलिफेंट्स को के लिए उत्तराखंड में स्थित है, ये क्यों चर्चा में है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अभी हाल फिलहाल में हैज़ आस्क्ड द उत्तराखंड गवर्नमेंट टू कंसिडर अवॉइडिंग सेंसिटिव एरिया ऑफ द शिवालिक एलिफेंट रिजर्व वाइल एक्सप्लोरिंग लैंड सस्टेनेबल यूज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। अभी हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट और क्लाइमेट ने जो कि है उत्तराखंड गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन पुट अप करा है और उनके सामने एक बिल पास करके रखा है कि जो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है उसके आसपास के क्षेत्र के अंदर जो कि लैंड एक्वाइजेशन हो रही है, उस भूमि को जो एक्वायर करा जा रहा है किस एक्वाइजेशन सिस्टम के तहत, कि देहरादून के अंदर एक नया जॉली ग्रांट एयरपोर्ट बन रहा है, तो उस एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए आसपास के जितने क्षेत्रों को एक्वायर करा जा रहा है उसमें ये स्पेशल ध्यान रखा जा रहा है, बोला जा रहा है कि
शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो है उत्तराखंड में, उसके अंदर छेड़खानी ना करी जाए, और उसके अंदर जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर उनकी नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर चेंजेस ना करे जाएं, और इस बात पर उन्होंने उनसे रिपोर्ट मांगी है। तो ये क्यों इतनी चर्चा में है? चिपको मूवमेंट आपने सुना होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसी तरीके का ये एक तरीके की मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट करंट एनालिसिस के अंदर देखते हैं क्या है इसका बैकग्राउंड। देखें, सो द एरिया प्रपोज फॉर द एक्सपेंशन इज़ ए पार्ट ऑफ शिवालिक एलिफेंट रिजर्व एंड इट फॉल्स विद अ 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ राजा जी नेशनल पार्क। जो राजा जी नेशनल पार्क है उत्तराखंड के अंदर, ये जो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है, सो 10 किलोमीटर का जो दायरा है, जो रेडियस है उत्तराखंड के इस बेल्ट का, सो राजा जी नेशनल पार्क अगर यहाँ पर सिचुएटेड है तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व का तकरीबन 80% 70% जो भाग है वो इस रिजर्व एरिया में आ रहा है, जिसे एक्सपेंड करना है। इस चीज़ को रिकोसाइट करने के लिए और रोकने के लिए की पॉइंट्स पर ये मांगा गया। सो हमारी जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है और जो वातावरण मिनिस्ट्री है, उन्होंने उत्तराखंड गवर्नमेंट के आगे पास करा ये रिपोर्ट को कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे और जो हमारा ये बायोस्फीयर रिजर्व है, ताकि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जो हमारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का जो एक्ट है, उसके कुछ उसके जो रूल्स एंड कंडीशन वो एबोलिश ना हो। प्रोटेस्ट रहा इसके ऊपर, काफ़ी सारे लोगों ने इसके ऊपर प्रोटेस्ट करा। चिल्ड्रेन एंड सोशल एक्टिविस्ट हैव टाइड प्रोटेक्टिव स्ट्रिंग अराउंड द ट्रीज मार्क टू बी कट, सिमिलर टू बी द चिपको मूवमेंट ऑफ द 1970। वहाँ के लोकल लोगों ने जो प्लांट वगैरह है उनके ऊपर स्ट्रिप्स एंड बैंड वगैरह बांध के बहुत ज़्यादा एजिटेशन करा, विरोध करा इस चीज़ का कि इन पेड़ों को ना काटा जाए और ये बायोस्फीयर सेम रहे। और इसको आप सिमिलर ले सकते हैं जो कि चिपको मूवमेंट हुआ था इसी में 1970 के दशक में, व्हेन विलेज इन चमोली हग्ड ट्रीज टू स्टॉप कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम फॉलिंग देम। चिपको मूवमेंट में जो चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए लोग बाग उन्हें पकड़ के खड़े हो गए थे। सिमिलर इस तरीके की मूवमेंट नजर आई। कंसर्न क्या है? द एक्सपेंशन विल थ्रेटन 100 ऑफ द स्पीसीज ऑफ फोना इन थानो नियर राजा जी नेशनल पार्क एंड द एलिफेंट कॉरिडोर नियर बाय। इन पेड़ों के कटने की वजह से या इस बायोस्फीयर के ऊपर हानि पहुंचने की वजह से कंसर्न ये है कि जो वहाँ का फोना है, फ्लोरा एंड फोना दो शब्द होते हैं जो कि इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में और बायोलॉजी में यूज़ होते हैं। तो फ्लोरा प्लांट से रिलेटेड होता है, फोना एनिमल से रिलेटेड होता है। जो वहाँ का फोना है, जो एनिमल क्राइटेरियाज हैं जो उस एरिया में पाए जाते हैं, तो जो थानो डिस्ट्रिक्ट है नियर बाय राजा जी नेशनल पार्क के, अगर ये पेड़ कटते हैं या इन राजा जी नेशनल पार्क या शिवालिक नेशनल पार्क के आसपास का एरिया अगर लैंड एक्वाइजेशन के अंदर जो जॉली एयरपोर्ट के लिए लेना है अगर कटाव करा जाता है, तो ये बायोस्फीयर और ये राजा जी नेशनल पार्क का एरिया भी उसमें शामिल हो जाएगा, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगली इंपॉर्टेंट खबर हमारे पास से कहाँ आ रही है? ओके, यहाँ हमारी चीज़ों का एंड होता है। नमस्कार सभी को। करंट अफेयर के एनालिसिस के लिए आप फर्दर जुड़े रहिए। पिछले हफ्ते ये खबर बहुत चर्चा में रही, इनको ध्यान से पढ़िए, और आप सभी के एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए उड़ान इन्फिनिटी को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को टिक करके नई नई जो वीडियोज़ आने वाली हैं उनको उनका लुत्फ़ उठाइए और उनसे फ़ायदा लीजिए। नमस्कार दोस्तों।